गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 and 6। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। हमें इन डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में लिखना है क्वेश्चन नंबर 5। तो हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 में हम बोला है हमें डेसिमल्स में लिखना है, इन फ्रैक्शंस में लिखना है 0.6। तो पॉइंट हम हटा देते हैं, देखिएगा पॉइंट हटा के नीचे बना जाते हैं और इसके बाद एक प्लेस है तो 6 का पॉइंट बन गया। अगर ये सिंपलेस फॉर्म में है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3.5। ठीक है, इसी तरह से हम इसके बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक और पार्ट दो पार्ट और कर रही हूँ 3.8 लिखा मैंने, ये डेसिमल लगाया है इसकी जगह बंदा और एक प्लेस है 38.10। ठीक है, ये कट सकते हैं, हम इसे काट लेते हैं, कट सकते हैं ये 19.5 और 19.5 भी हमारा मिस फ्रैक्शन है, लिख सकते हैं 3/4/5। तो ये आपके पास 3/4/5 आ गया। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एट पार्ट 21.2। तो 21.2 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पॉइंट सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पॉइंट हटाया इसके नीचे बनाया और एक जैसे तो ये 212.10। ये हम काट लेते हैं 106/5। ये हमारे पास आ गया 106/5। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 21/1/5। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को हटा के नीचे 1 लगता है और जितने प्लेस हैं उतने 0 लग जाते हैं। अगर एक प्लेस होता है तो 1 0, 2 प्लेस होते हैं 2 0, 3 प्लेस होता है 3 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है डेसिमल का यूज करके। पहला पार्ट है 2 मिलीमीटर, सॉरी 2 मिलीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/10। 2/10 को अगर हम लिखना चाहेंगे डेसिमल में तो देखो 1 0 है तो 1 प्लेस आगे आ जाएगा डेसिमल 0.2 सेंटीमीटर। और हम एग्जाम्पल कर लेते हैं 116 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करते हैं 116/10। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 है तो 1 प्लेस आगे आ जाएगा डेसिमल यानी 6 से पहले 11.6 सेंटीमीटर। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो 4 तो पूरा पूरा है और 2 मिलीमीटर को 2/10 लिख सकते हैं। मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 4 तो पूरा आएगा और 2/10 हो गए 0.2। ठीक है, ऐसे हमारे पास कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लास्ट पार्ट में लेते हैं हम 83 मिलीमीटर, तो लिखेंगे 83/10। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10, 1 0 से 1 प्लेस आगे आ जाएगी डेसिमल तो यहाँ जाएगी तो इट विल बिकम 8.3 सेंटीमीटर। सिमिलरली यू कैन डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6।